अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जो अध्यादेश लाए गए हैं बीजेपी स्वतः इसे वापस ले लेगी। अरे कोई वापिस वूपिस नहीं होने वाला है, जो अध्यादेश लाया गया वो बिल्कुल ठीक है, अरविंद केजरीवाल जाकर अपनी बात कोर्ट में करें। और इनका कहना है कि जो छापे पड़ रहे हैं वो राजनीतिक द्वेष बिना किसी मतलब के ये कर रहे हैं। अरे आप हजारों करोड़ रुपए के डाके डालोगे, पीछे सत्येंद्र जैन ने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया, जो नई शराब नीति आई उसमें इनके फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया, उनके खिलाफ FIR हुई, कोर्ट ने स्वीकार किया है कि ये लोग दोषी हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं घोटाले में ये सम्मिलित हैं, उनको आज जमानत नहीं मिल रही है, तो फिर बदले की भावना से कार्रवाई कहाँ हो रही है। अरे भैया आप यदि दिल्ली सरकार के खजाने को लूटोगे, आप हजारों करोड़ रुपये के घोटाले करेंगे, तो फिर आपको CBI ED कोई माला थोड़ी पहनाएगी। आपने अगर कोई गलत काम किया है, घोटाला किया है, सरकारी खजाने को लूटा है, तो कार्रवाई होगी होगी आपके खिलाफ। अगर आपको लगता है बदले की भावना से कोई कार्रवाई हुई है तो कोर्ट में आप अपनी बात कह रहे हैं, कोर्ट से आपको अभी तक तो कोई राहत मिली नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन सर, लगातार अरविंद केजरीवाल और उनके भगवत मान अलग अलग पार्टी के CM से मिल रहे हैं अध्यादेश जो लाए गए हैं उसको लेकर। अरे भैया वो किससे मिल रहे हैं वो उनका अपना पार्टी का मामला है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। 2024 का चुनाव होगा, मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा 350 सीटें जीतेगी, उसके बाद 2025 का चुनाव होगा, वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। दिल्ली के को जिस बेदर्दी के साथ अरविंद केजरीवाल ने लूटा है, दिल्ली को जिस तरह से बर्बाद किया है, 2025 में दिल्ली के लोग इसको सत्ता से बाहर कर देंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल न्यूज DNN बाय क्लिकिंग द बेल आइकॉन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।